बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल चंद एक स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है। कल मैंने जरा वीडियो बना रहा था, उसमें चार स्टॉक शामिल थे: अल शहीर, डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल, एयरलिंक। तो ये कुछ स्टॉक थे जिनकी फरमाइश आई हुई थी, पाक इलेक्ट्रॉन भी था उसमें। तो कल मैंने अल शहीर का कर दिया, क्योंकि अगर कल मेरा इंटरनेट का जरा इशू आ रहा था तो अभी रिस्टोर हुआ है, तो मैंने दोबारा इसको एनालाइज करना शुरू किया। अच्छा, आज मैंने जो लिए हैं, जो कल के स्टॉक जो रह गए थे जिनमें बीजीएल, डॉल, एयरलिंक था, और इसमें अभी मैंने एएससी तो मैंने कर लिया है अल शहीर, उसकी जगह पे मैंने पाक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इन चारों का आज मैं एनालिसिस करूंगा टेक्निकली, वीकली बेस पे ऑब्वियसली, क्योंकि वीकेंड हुआ है सबका, तो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से जरा और आसानी हो जाएगी कि हाई टाइम फ्रेम पे जो है इस पर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले हम बीजीएल लेंगे, बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड। इसका आपको मालूम है काफी वॉलेटाइल रहा है बीच में, ये यहाँ से जब इसने लो किया था 16 मई 2022 को, फिर यहाँ से फिर इसके बाद न्यू जनरेट होना शुरू हुआ कि तारे ग्लास को एक्वायर कर रहा है, और तकरीबन काफी इसकी एक्विजिशन हो गई है। तो अब इस मुझे लग रहा है अब यहाँ पे मामला, क्योंकि अब एक्विजिशन हो गई है, मामला मुझे यहाँ पे कुछ ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये तो एक अलग ही न्यूज बेस्ड है। टेक्निकली देखें तो इस वक्त यह डोजी बना हुआ है, और फंडामेंटली जो है अभी इसमें देखें, इसकी अर्निंग, ईयरली अर्निंग जो है 52 पैसे माइनस में आई है। क्वार्टरली जो है वो भी -42 पैसे, ईयरली -52 पैसे। तो ऐसा जब भी फंडामेंटली को इतना कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है ये। अच्छा, सीपीआर वीकली पे जो है श्रिंक हो रहा है। मैंने आपको जिस तरह पहले बोला था कि अगर वीकली पे यहाँ पे लोअर साइड पे, लेकिन अगर आप आरएसआई देखें तो 42 पर है वीकली पे, और डेली पे जो है 44 पर है। तो आरएसआई तकरीबन ओवर सोल्ड जोन में एंटर होने वाला है। डेली पे अगर हम नजर डालें यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसका ट्रेंड भी डिफाइन कर लेते हैं। एमए मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज 200 ले लेते हैं, तो ये इस वक्त डाउन ट्रेंड में, देखें यहां से ये इसका इसके ऊपर परफॉर्म करना, 10 रुपए 81 पैसे के ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इसको मैं यहां से ले लेता हूं, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूं। तो इस वक्त ये अप ट्रेंड में आने के लिए इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 10 रुपए 83 पैसे, 11 रुपए, ये एरिया जो है एटलीस्ट 10 रुपए 83 पैसे 85 पैसे, इसके ऊपर जो है बुलिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको यहां से बता दूं, इस एरिया से ले ले, इसकी नेक लाइन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, 10.90 समझ ले मैक्सिमम। अब यहां से देखें आप, ठीक है, यहाँ इसने लो आया 9.91 का, जैसे पहले भी अभी इसने लो किया और क्लोजिंग भी इधर ही दी है 9.81 पे, 9.91 पे, 9.81 पे। ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया, जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। ये एक सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा था ये एरिया। ठीक है, जो कि सीपीआर का देखें, इससे सिंक्रोनाइजेशन भी आ रही है। ये 10 रुपए का एरिया या 9 रुपए 98 पैसे का एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया, इसको मैं अभी रिमूव कर दूं, क्योंकि ये सीपीआर का मिडिल बैंड है। ठीक है, तो अभी अभी तक तो इस यहाँ पे रिजेक्शन ही विटनेस कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ। ठीक है, ये एरिया जो है 9.99 रुपए, 10 रुपए, ये एरिया इस पर, इसके ऊपर एटलीस्ट डेली बेस पे, मैं क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम शेयर कर रहा हूँ तो डेली बेस पे एटलीस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका लोअर जो बैंड था 9 रुपए 81 पैसे था, लो इसने 9.52 का किया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये एक एरिया है जहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, कि यहाँ पे एक बॉटम किया, फिर ये डबल बॉटम अगेन किया, और सीपीआर का जो लोअर लेवल है 9 रुपए 81 पैसे, उसी के अराउंड जो है इसकी क्लोजिंग आई है। अच्छा, इसके अराउंड क्लोजिंग हो आई है, तो इसका मतलब थोड़ा सा इनिशियली ऊपर ये जा सकता है, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ 10 रुपए के ऊपर या 10 रुपए 18 पैसे 20 पैसे, ये वाला एरिया जो है 10 रुपए 20 पैसे का, ये इसके ऊपर जो है परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये एरिया में ऐसे रहने। तो यहां पर जो है मैं ये एक और बना देता हूँ, ये वाला एरिया। ठीक है, ये 10 रुपए 36 पैसे तक भी स्टॉक जा सकता है इंट्राडे में। ठीक
लेकिन अगर यहां से हम रिजेक्शन रिजेक्शन का मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ी वीक बनती है तो ये रिजेक्शन कहलाता है, और ये रिजेक्शन अगर इसके ऊपर परफॉर्म करती है मार्केट या इंडेक्स तो फिर मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अब आप यहां पे देखें, मैं आपको थोड़ा सा और जूम इन करके बता दूं, अब यहां पे देखें यहां पे ब्रेकआउट मिला इसका रेजिस्टेंस का, यहां पे अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो यहां पे देखें अपसाइड परफॉर्म दिखाई है लेकिन बेरिश कैंडल के हिसाब से यहां पे सेलिंग ही विटनेस की है, फिर अपसाइड जाता है यहां पे सेलिंग, इसके ऊपर सेलिंग मतलब प्रॉफिट टेकिंग आती है 10.90 तक, और यहां पर भी अगर हम ये एरिया देखें 10.90 वाला तो इसके ऊपर भी देखें डोजीज बनना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, और बेरिश कैंडल ज्यादातर बनती है। यहां पर एक डोजी बना देखें बहुत हायर साइड पे, फिर इसके भी हाई गया और एक डोजी सॉरी बेरिश कैंडल बनी, फिर इसके बाद ये स्टॉक फिर नीचे आया और ये 10.90 पे ये परफॉर्म करता है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी यहां तक जाता था ये वाला एरिया 11.03 रुपए, और इसका अगर हम ये वाला इसके नेकलाइन ले लें ये वाले एरिया की ये वाला एरिया, तो ये मैक्सिमम 11.26 10.90 से 11.26 तक परफॉर्म करता है, इसके ऊपर देखें ये डिच करता रहा है ब्रेकआउट देता है फिर नीचे, तो ये एक इस वक्त एरिया जो है इसके ऊपर मिसाल के तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके ऊपर एक बेरिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है, यहाँ इसके ऊपर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे इसको बना देता हूँ, इसके ऊपर एक कहता है ना मोटी ताजी कैंडल बनना बहुत जरूरी है ये वाला, ठीक है ये कैंडल इस तरह की बुलिश देखे ना पीली कलर, मेरा मैंने अपना मेरा कस्टमाइज कलर्स हैं आपने देखा होगा बैकग्राउंड का कैंडल्स का, तो ये मेरा एक ये बुलिश कैंडल है, अमूमन ये ग्रीन होती है मैंने येलो रखा हुआ है और ब्लू जो है वो बेरिश है, ये बेरिश कैंडल हमेशा जो स्टैंडर्ड जो है उसका जो कलर है वो रेड है। देखें ये कैंडल आपने याद गौर किया यहाँ पे अभी तक बनी नहीं है, इसके ऊपर ऐसी येलो कलर की कैंडल आपको नजर नहीं आएगी, यहाँ देखें इस पूरे एरिया में 10.11 रुपए 26 पैसे के ऊपर, इसके ऊपर अगर ये परफॉर्म करता है स्टॉक तो फिर ये मजीद इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फिबोनाची भी यहाँ पर अप्लाई करके देखें यहां से यहीं से देख लेते हैं कि ये स्टॉक यहां से गया था अभी रिसेंटली, फिर इसके बाद जो है इसने अपसाइड परफॉर्मेंस दिखाई यहां तक, ठीक है यही एरिया हम लेंगे, तो ये एरिया वही 11.26 के बाद जो है हमारे पास एरिया जो बनता है 11.76 का है, फिर इसके बाद जो है 13.15 का एरिया, ठीक है ये यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ, दोबारा इसको ये रिटेस्ट कर सकता है, एक तो ये एरिया होगा फिबोनाची का और दूसरा 2.618 ये एरिया हो सकता है, ठीक है यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ये एरिया जो है फिबो का है 1.618, ठीक है और ये जो है इसको मैं क्लोन करके यहाँ पे भी लगा देता हूँ 2.618, ठीक है इसको हम कर देते हैं 2.618, तो ये एरिया जो है ये रिटेस्ट कर सकता है। अच्छा इसी को हम जरा इन्वर्स करके देख लें, लेकिन अच्छा यहां से मैं आपको अभी भी बता दूं यहां से अगर ये आया है नीचे, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके आपको बता दूं कि 10.38 रुपए जो है ना ये इसका इन्वर्स था 0.618 जो ये ब्रीच कर चुका है, ठीक है अब जो है लेवल जो है वही 10.20 रुपए 0.5, ठीक है 10.20 रुपए भी ब्रीच कर चुका है, थोड़ा सा मैं आपको और जूम इन करके बता दूं ताकि आपको नजर आ जाए क्लियरली, ये देखिए ये 0.618 नजर आ रहा है 10.38 रुपए का लेवल था, ये भी इसको ब्रीच कर चुका है, फिर इसके बाद 0.5 का एरिया यहां पर आ रहा है, आपको मैं क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, एक मिनट इसको मैं जरा सेटिंग पे ले आऊं, ये यहां पे इसको हम जो है ना इसकी सेटिंग ये राइट पे है तो हम इस लेवल जो है ना लेफ्ट पे ले आते हैं तब आपको नजर आ जाएगा, देखें 10.21 रुपए 0.5 था इसको भी ब्रीच कर चुका है, अब जो नजर आ रहा है ये 10.05 रुपए का एरिया नजर आ रहा है 3.82, ठीक है 0.382 सॉरी, अब ये 10.05 रुपए का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूशियल, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर ये वापस 9.52 रुपए जो मैंने पहले बताया था 9.52 रुपए और इवन और नीचे कितना आ सकता है 9.52 रुपए के बाद, अब हम इसको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है
लेवल याद रख लीजिएगा आप, 10 रुपए 20 पैसे है मैक्सिमम, नीचे 9 रुपए 50 पैसे है मैक्सिमम डाउन, 9.52 से 9.50 से 10.20, ये एक आप सवा दस समझ लें, 10.25, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है 9.52 को वीकली पे, तो अगेन फिफ्थ कंफर्मेशन देख लीजिए, कभी कभी डिच कर जाता है, यहाँ से बेरिश कैंडल बनी, अगेन बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, तो फिर जो है आपने होल्ड कर लेना है पोजीशन को। तो ये वाला लेवल 8 रुपए 66 पैसे, ये लेवल ये रिटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, ये वाला लेवल, ठीक है। इसको भी मैं लिख लेता हूँ फिबो का 1.618, ठीक है, 1.618 ये बन रहा है 8 रुपए 65 पैसे, ठीक है। अच्छा अभी हम देख लें डेली पे, तो डेली पे जो है ये बुलिश कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि ये अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो देखें वॉल्यूम तो इतने खास नहीं हुए हैं जितने वॉल्यूम से नीचे आई है, 1. डेली पे देखें 1.77, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब अभी मेरे हिसाब से तो नहीं हुई, हो सकता है कि नीचे की साइड पे कहीं एब्जॉर्ब हो जाए, सेलिंग का अच्छी कैंडल बन जाए, बिलियंस में आना चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा वीकली में भी देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं, चलें एक वीकली पे भी जो वॉल्यूम लगा है आपका वो 3.2 मिलियन, और चाहिए आया था 1 और 2.93 और 3.2, हाँ वीकली पे अच्छा वॉल्यूम यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, वीकली पे अच्छा मतलब ज्यादा वॉल्यूम से मार्केट नीचे आई, इंडेक्स जो है इसका स्टॉक का जो प्राइस है वो ज्यादा से नीचे आया है वॉल्यूम से। तो यहाँ पे वैसे भी देखें एक ये हैमर बना है डोजी का, वो उसको जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन रेड रेड हो या ग्रीन हो या ब्लूश है या बेरिश हो। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट देखने हो सकता है वापिस ही वहां पे, देखिए दो सूरतें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर ये इसके नीचे परफॉर्म करते हैं तो नीचे आने के इसके चांसेस हैं, और अगर यहाँ पे ये दोबारा इसको दोबारा ऐसी कोई वीक बनती है तो वेट करना चाहिए, ये वीकली बता रहा हूँ, एक वीक वेट करें, दूसरा वीक भी वेट करें, कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आप आगे एंट्री ले सकते हैं, तो आपको अच्छा यहाँ पे गेन मिल सकता है। हाँ आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे 9.50 9.52 जो भी यहाँ पे लेके आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं इसके नीचे का, ठीक है। वीकली पे जो अभी स्टॉप लॉस होगा 9 रुपए 17 पैसे है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ये मैं आपको बता दूं प्राइस सेक्शन के हिसाब से, ये इसका नेकलाइन सपोर्ट है 9 रुपए 8 पैसे, ठीक है, 9 रुपए 8 पैसे लेके 8 रुपए 65 पैसे। तो ये यहाँ इसको रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट करके यहाँ से फिर हो सकता है यही परफॉर्म करता रहे, लेकिन वीकली पे अभी जो है ये नजर आ रहा है नीचे, और इसके बाद जो है फिर अगला अगर ये इसको रिटेस्ट करता है और यहाँ से फिर इसको ब्रेक करता है तो ये अगला लेवल जो है इसको भी रिटेस्ट कर सकता है, ये वाला लेवल 7.25 का एरिया जो है ये भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा इसको हम RSI में देखें, देख चुके हैं बहरहाल, हम लोग दोबारा देख लेते हैं, 42 पर है, तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए स्टॉक, लेकिन अभी मुश्किल ही नजर आ रहा है। फंडामेंटली तो आप देखें इसका भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ ये TGL की न्यूज पे चला था ये, और इसका लो जो था ये यहाँ से इसने लो किया था 5 रुपए 75 पैसे का, और यही अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एरिया ही करके उसकी वीक भी ले लें, यहाँ भी वीक भी ले लें, ठीक है, 5 रुपए 90 पैसे से लेके 5 रुपए 70 पैसे तक 80 पैसे तक ये एरिया जो है सपोर्ट एरिया अच्छा बनता हुआ, और याद रखें 5 रुपए 87 पैसे इसका 3.618 भी नजर आ रहा है, इसको हम चलिए नीचे कर लेते हैं, ये वाला 5 रुपए 86 पैसे 86 पैसे, तो ये सपोर्ट एरिया है और ये इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अगर हम इसको जूम आउट करके आगे की तरफ देख लें तो एक ये 14 रुपए 57, अगर ये 13 रुपए 14 पैसे ये इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस जो है हमें ये वाला इसका नेकलाइन रेजिस्टेंस है, इसको रेड कलर दे देता हूं मैं, 15 रुपए तक हम इसको विटनेस कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम फिलहाल देखें इस पे फिबोनाची के हिसाब से तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसने जो 0.5 भी जो है वो ब्रेक किया है, तो 0.5 जो कि 10 रुपए 20 पैसे का एरिया है, और जहां पे ये देखें यहाँ रेजिस्टेंस भी देखा, इसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, यहां पर भी मैं एक बना देता हूँ बुलिश कैंडल, अभी तक बनी नहीं है। एक तो ये एरिया मैंने बता दिया 11 रुपए 75 पैसे 26 पैसे के ऊपर, और 10 रुपए 25 पैसे अगर बुलिश कैंडल बनती है 11 रुपए 25 पैसे आएगा, 11 रुपए 25 पैसे पे बुलिश कैंडल बनती है तो फिर 13 रुपए और 15 रुपए तक भी ये जा सकता है,
ये वाला आपको मैं आपको बता दूं, ये बुलिश कैंडल ये बनना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ बनी नहीं है, यहाँ कोई कोई बुलिश कैंडल नहीं बनी, ठीक है, सेलिंग ही सेलिंग है यहाँ पे। तो इसको आप जरा अपने टेक्निकली जो है इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड करें इसमें, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब मैं दूसरा स्टॉक ले रहा हूं इसमें, डॉल DOL, डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड। अच्छा इसका अगर हम वीकली पे जायजा लें तो देखें यहाँ पे एक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये इन्वर्टेड हैमर डोजी अगर अपर साइड पे होता है या डाउन साइड पे होता है, दोनों साइड पे ये बुलिश बेयरिश इंडिकेशन दे रहा होता है। लेकिन जो मुझे पुराने फॉलो करने वाले हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बेयरिश या बुलिश सिग्नल हो इसकी कंफर्मेशन होना, कोई भी पैटर्न भी बन रहा है, इवन मैंने आपने अगर अब दूसरे इनको सुने जो फॉरेनर है, फॉर सपोज इंडियन काफी मशहूर है टेक्निकल एनालिसिस में, लोग उनको काफी देखते हैं तो वो बताते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बेयरिश है और ऑब्वियसली बेयरिश होता है, लेकिन ये नहीं बताता कोई कि इसकी कंफर्मेशन जरूरी है कि ये बेयरिश सिग्नल दे रहा है। बाद औकात इनवर्स में भी जो है अगर इसी का इन्वर्टेड होता है जो एक बुलिश पैटर्न है वो अगर फॉर्म हो रहा होता है तो वो कहते हैं अरे यहाँ से बाय करो, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ पहले कंफर्म करो कि ये जो है बुलिश पैटर्न उसको अगली कैंडल या अगला पैटर्न उसको कंफर्म कर रहा है बुलिश को, तो आप एंट्री ले लें। इसी तरह बेयरिश को भी कंफर्म होना बहुत जरूरी है किसी बेयरिश कैंडल के साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ इन्वर्स हो सकता रिवर्स हो सकती है मार्केट, हेड एंड शोल्डर बन रहा हो और बुलिश कैंडल बन जाए उसके ऊपर, उसको तोड़ दे जो उसका शोल्डर बना हुआ है तो ये ऊपर, अभी बीच में सैरले में भी यही हुआ था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि देखें यहाँ से स्टॉप, मैंने ये नहीं बोला जब सेल कर दे, मैंने कहा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और मैंने दे भी दिया था 39 रुपए के नीचे आप स्टॉप, क्योंकि इसका शोल्डर जो 39 रुपए बन रहा था 39 रुपए के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस दे दें तो सैरले ने उसको निगेट कर दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न को और ये अपर साइड पे 45 रुपए तक चला गया। तो इसी तरह ये जो मैं आपको पैटर्न आपको जूम इन करके बता दूं, ये इन्वर्टेड हैमर बना था, ठीक है, इसके ऊपर ये बुलिश कैंडल बनी है, इसको निगेट किया वीकली पे, तो होपफुली चांसेस तो यही है कि ये जो CPR का लेवल है अगर हम देखें इसको थोड़ा सा जूम आउट करके तो ये श्रिंक हो रहा है डाउन साइड पे, और RSI भी देखें 45, RSI भी इतना हाई नहीं है, ठीक है, और वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम अच्छे लगे यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे जो है 4.3, फिर इसके बाद ये डोजी फॉर्म हुआ तो 3.19 और ये देखें 5.5, ये दोनों सेलिंग के तकरीबन इसने एब्जॉर्ब किया है, थोड़ा सा रह गया है, मतलब ये दोनों मिला के भी देखें तकरीबन 8-8.5 मिलियन बनता है, तो इसमें 5.5 मिलियन तो ये एब्जॉर्ब कर चुका है, इसलिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देखने में आया है इस एरिया पे जो CPR कहते हैं 23.66 रुपए, 23.03 रुपए और 24.44 रुपए, 24.44 रुपए तो क्रॉस कर गया है, 22.44 रुपए क्रॉस कर गया है जो इसका CPR का लोअर बैंड था, और अभी 22.83 रुपए जो 23.30 रुपए उसी के अराउंड है, 22.83 रुपए इसी के बीच में इस पर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे देखें मैं आपको बता दूं वीक को अगर हम छोड़ दें परफॉर्मेंस देखें इसकी अगर हम ओवरऑल, तो ये यहाँ से ये 22.80 रुपए से इसकी क्लोजिंग है, और यहाँ पे अब आ जाते हैं प्राइस सेक्शन पे, प्राइस सेक्शन पे भी ये कि सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है, 22.87 रुपए ये एरिया जो था सपोर्ट एरिया था, तो 22.83 रुपए क्लोजिंग आई है, ऑब्वियसली समवेयर अराउंड इधर ही है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके बढ़ने के चांसेस अभी इस वक्त ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें अगर ये इससे नीचे आता है, मैं अगेन वही कहता हूँ कि बुलिश कैंडल बनी है और कोई बेरिश को निगेट करती है तो फिर ये नीचे आ सकता है, तो सबसे बड़ी हेल्प तो आपको CPR के लेवल से मिल जाएगी डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे, दोनों पे यही आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी नजर डाल लेते हैं हम इसका, हम वो निकाल लेते हैं, ये देखें अभी ये बहुत कोशिश कर रहा है अपसाइड पे जाने की, ये इसका एरिया जो है वो ये एरिया है अप ट्रेंड में जाने के लिए 24.30 रुपए, ठीक है, अभी एक थोड़ा सा हम नजर आ रहे हैं डेली पे थोड़ा जूम आउट करके, तो 24.30 रुपए को हम थोड़ा सा और आगे ले लें ये एरिया को, ठीक है ये एरिया, तो यहां देखें कंसोलिडेशन हुई, फिर ये अपसाइड पे मूवमेंट दिखाया, इसके देखे जब ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट एरिया बन जाता है, कंसोलिडेशन इसी एरिया पे आती है फिर अपर, अब इसको तोड़ के नीचे आया तो इसने लो किया 21 रुपए
जो के एक ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन ये एक अच्छा एरिया है, सपोर्ट का बनता हुआ नजर आता है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 21 रुपए 34 पैसे, ये एक एरिया बहुत अच्छा। इसका ये स्टॉप लॉस जो है 40 पैसे 34 पैसे, या समझ लें 21 रुपए के नीचे अगर ये परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा। देख लीजिएगा कोई बेरिश कैंडल बनती है, फिर एक और बेरिश कैंडल बनती है आपने सेल कर देना है, तो ये हो सकता है फिर यार डाउन ट्रेंड में तो है फिर और नीचे आ जाए, क्योंकि इसने अपना परफॉर्मेंस नीचे की तरफ दिखाई है। यहाँ पे ये 19 रुपए भी आया है यहाँ से, ये देखेंगे फिर 19 रुपए से वापिस ही 28 रुपए तक गया है, तो 8-9 रुपए की यहाँ से 19 रुपए से अच्छी यहाँ पे मूवमेंट दिखाई है इसने। अच्छा फंडामेंटल थोड़ा सा देख लिया इसके, क्वार्टरली भी 1 रुपए जो था पैसे, ईयरली भी आई है इसकी। इससे पहले जो है अर्निंग जो है 8 रुपए थी। अच्छा इसकी स्टॉक की आने की वजह यही थी कि 8 रुपए थी, लेकिन क्वार्टरली जो है वो 57 पैसे थी। अब यहाँ पे थोड़ा क्वार्टरली बढ़ गया है तो हो सकता है शायद ये यहाँ पे अपसाइड पे परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ ये एटलीस्ट 23 रुपए 66 पैसे, या यूं समझ लें कि 23 रुपए 70 पैसे, इसके ऊपर जो है बुलिश कैंडल बनना शुरू होती है। ये वाला एरिया जो है और ये वाला, इसके मैं यहाँ पर भी आपको एक बुलिश कैंडल बना के दिखा देता हूँ। इस एरिया के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो फिर हम उसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। तो ये बुलिश कैंडल ऐसी कोई बनी नहीं है, देखें यहाँ इसके ऊपर बनी, लेकिन कितना या डार्क क्लाउड कवर आया। डार्क क्लाउड कवर का भी आपको बता दूं, ऐसा होता है कि इंट्राडे में तो ऊपर जाता है ये जो बुलिश कैंडल बनी, ठीक है यहाँ से ये थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिनको टेक्निकल सीखना है वो इसको देख लें, जिनको नहीं सीखना है वो स्किप करके आगे वीडियो देख लें। ये देखें ये वाला एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया होता है, तो इसके ऊपर जो ये मूवमेंट तो दिखाता है लेकिन डे की क्लोजिंग जो उसके नीचे दे देता है इस एरिया के नीचे, तो इसको हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। बेरिश अगर सिग्नल दे रहा हो बुलिश पे नहीं, ये बेरिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है, तो डार्क क्लाउड कवर होता है, तो यहाँ से थोड़ा मोहताज रहना चाहिए। और इसके बाद जो है फिर ये यहाँ इस नीचे की तरफ रिट्रेस करता हुआ स्टॉक वापिस यहाँ आया, और यहाँ एक्यूमुलेशन शुरू हो गई 21 रुपए 34 पैसे पे, तो एक्यूमुलेट किया यहाँ से, फिर इसने आप मजीद अपसाइड मूवमेंट यहाँ से दिखाई है स्टॉक ने, ठीक है। डिविडेंड बेस्ड है, देता रहता है, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें वीकली पे, अगर हम आ जाएं दोबारा, तो ये काफी इसने डिविडेंड दिए, देखें 20% 20% 20% ही देता रहा है, 2-2 रुपए डिविडेंड, 10% यहाँ दिया था उसने 2021 में अक्टूबर में, इसके बाद ये 20% ये देता रहा है, तो केमिकल सेक्टर में अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ, यहां से अगर हम इसको क्रिएट करें, देखें ये एक तरह से देखें, एक तो ये सबसे पहले तो इसने लो बनाया तकरीबन 15 रुपए का, 14.84, फिर इसने 9.90 का लो, फिर इसने यहाँ पे इसको मेंटेन किया 21 रुपए, तो एक तरह से समझ लें ये हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। लो हायर लो हायर लो हो सकता है यहाँ से रिट्रेस करके फिर ये एरिया हायर लो पे आ जाए, ठीक है ये वाला एरिया 24 रुपए वाला, फिर इसके बाद अगेन ये ऊपर शायद हो सकता है इसके ऊपर ये धीरे धीरे करके रिट्रेस करता हो, अपर साइड पे परफॉर्मेंस दिखाता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ये एरिया ले लेते हैं, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये एरिया परफॉर्म करता हुआ गया है, इसको मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, देखें यहाँ कंसोलिडेशन हुई, अगेन वही एरिया मैं आपको बता रहा हूँ 23 रुपए 3 पैसे 3 पैसे, ये 23 रुपए 68 पैसे के जो आज अभी हाई किया इसने, उससे जो सीपीआर का अपर लेवल है 23 रुपए 66 पैसे, थोड़ा सा आपको मैं जूम इन करके बताता हूँ, ये 23 रुपए 66 पैसे का लेवल है, ये यहाँ पे इसी के अराउंड 23 रुपए 55 पैसे ये एक्यूमुलेट करता रहा। चले प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लेते हैं हम इसको सीपीआर के लेवल को, ये वाला लेवल 23 रुपए 54 पैसे 55 पैसे यहाँ एक्यूमुलेट किया, फिर ये वापस नीचे की तरफ आया है स्टॉक ये, तो अभी यही एरिया जो है जो यहाँ एक्यूमुलेट करके नीचे आया है, देखिए ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ये बेरिश कैंडल बनी इसको ब्रेक किया, और एक और अगर बेरिश कैंडल, फिर एक डोजी बन गया। मोस्टली क्या होता है तीसरी कैंडल पे जो बेरिश या चौथी कैंडल पे बनती है तो वो काफी आरएसआई लो हो जाता है, तो वहां से तो अपसाइड जंप दिखाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, और यहाँ से अपसाइड देखे अच्छी मूवमेंट भी देखी हमने इसमें, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ 21-34 का एरिया बहुत क्रूशल है, ये वाला एरिया
1986-34, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम ये वाला लेवल दोबारा रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, और इवन वापस ये डबल बॉटम भी लगा सकता है। मैं आपको ये वाला एरिया आपके साथ शेयर कर लूँ, ये वाला एरिया, ये सपोर्ट एरिया बन रहा है अच्छा सा, और ये डबल बॉटम यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है 14 रुपए 75 पैसे पे। तो यहाँ पे आ रहा सही लो भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड पे आने के लिए इस पे यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं फॉर फर्दर अपसाइड। ठीक है, यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है। तो येलो कलर दे दे, तो अभी फिलहाल ठीक है, यहाँ पे देंगे डोजी बना, इसको नेगेट किया। ठीक, इसी तरह यहाँ बुलिश कैंडल बने, फिर अगेन एक्सपर्ट जाएगा तो ये 27 रुपए तक भी ये वापस दोबारा इसको रीटेस्ट कर सकता है, जो इसका नेक लाइन रेजिस्टेंस है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। और इसका चैनल टॉप जो है वो 31 रुपए, इसको भी ये रीटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। ये इसका चैनल टॉप है, 31 रुपए 60 पैसे तक भी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि यहां से इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे ये अप ट्रेंड में भी आ जाएगा और ट्रेंड लाइन भी है। इसके बाद जो ये अगेन कोई दूसरी कैंडल बनती है, मैं आपको एक और भी कैंडल बना देता हूँ। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, जो मैंने आपको टारगेट्स बताए उसके लिए यहाँ पे विद स्टॉप लॉस। तो ये एक ये एक ही आपके पास आ गया, और दूसरा टारगेट जो है वो अगेन आपके पास यहां से लेके फिर ये टारगेट आ गया आपका। तो ये आपके टारगेट होते हैं डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल के लिए। अच्छा, अब हम लेंगे तीसरा स्टॉक जो है वो है एयरलिंक। काफी इसकी जाहिर सी बात है, जब से 18 रुपए से चला है ये और 42 रुपए तक भी आ गया, और 42 रुपए 22 पैसे जो है ना इसका समझे रेजिस्टेंस एरिया है, तो 4388 ये मैं आपको बता दूं सीपीआर। अच्छा, यहाँ इसका जो अगर वीकली पे सीपीआर देखे ना, तो थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, सेंग नहीं हो रहा, तो थोड़ा केयरफुली काम करें। हो सकता है यहाँ से ये साइडवेज हो जाए, या फिर इसको ब्रेक भी कर दे 32 रुपए 48 पैसे। जो मैं लेवल्स है आपके साथ शेयर करूंगा वो देखे प्राइस सेक्शन के हिसाब से, यहाँ पर ये एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एरिया 42 रुपए 17 पैसे का एरिया, 20 पैसे 17 पैसे। और अपर साइड पे यहाँ पे कोई विक भी बन सकती है, या डार्क, जैसे मैंने को बताया डार्क क्लाउड कवर, ये भी बन सकता है 43-48 पे। ये वैसे बहरहाल इसका सीपीआर का अपर लेवल है 43-48, इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर ये मजीद अपसाइड पे दिखा सकता है। तो वीकली पे देखें अगर हम नजर डालें तो 777 बहुत हाई चला गया है, और देखें यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस वक्त ना, क्योंकि अब साइकोलॉजी होती है इंडिविजुअल्स की, स्पेशली बता रहा हूँ कि अपर साइड पे जो है ना वो बहुत बाय करना शुरू कर देते हैं। एक होता है अट्रैक्शन आ जाती है ना, ओहो 18 रुपए से हो सकता है, और फिर न्यूज भी आ रही होती है और 70 रुपए वापिस हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, तो ये यहाँ से फिर एग्रेसिव बाइंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 45 मिलियन का वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त अभी कोई बेरिश नजर नहीं आ रहा, डाइवर्जेंस हाँ डेली पे कुछ नजर आ रहा है। देखें यहां से आना शुरू हो गया था 35 रुपए से, यहाँ पे ये इस एरिया के अराउंड 37 रुपए 51 पैसे से ये बेरिश डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दिया इसने। तो थोड़ा हो सकता है डेली पे नीचे है, डेली पे भी अच्छा वॉल्यूम लगा है, हायर साइड पे लगा है लेकिन, ठीक है। और हायर साइड पे अब आपका डोजी बना है, अब देखें डेली पे ये डोजी बना है और हायर साइड पे वॉल्यूम भी ज्यादा लगे, हायर साइड पे डोजी बन जाए तो फिर हो सकता है ऊपर और मजीद चला जाए, क्योंकि वैसे तो आ रहा है 80 पे, और वीकली पे 77 बहुत ऊपर चला गया। और देखें अभी इसका फंडामेंटल भी देखें तो 1 रुपए 65 पैसे की अर्निंग है, और आई थिंक इसने डिविडेंड कितना 25% डिविडेंड दिया है, और क्वार्टरली अर्निंग जो इसकी आई थी 59 पैसा, और ईयरली अर्निंग थी 2.34 पैसा, जिसमें से इसने 2.5 रुपए दे दिए हैं। अब आप ये देखें इसने 2.34 अर्निंग में 2.5 रुपए डिविडेंड दे दिया है, तो अभी इसके रिजर्व में कुछ भी नहीं है, और अभी क्वार्टरली 1 रुपए 65 पैसे फिर आ गई है, अच्छी अर्निंग आई है। तो अगर आगे जाके कुछ इसके अगर एक्सचेंज के लॉसेज होते हैं, जैसा आपको पता है डॉलर अगर बढ़ता है आगे ऊपर की तरफ, तो फिर ये इसको फिर एक्सचेंज लॉसेज हो सकते हैं अगले क्वार्टर में, हो सकता है ये जो है एब्जॉर्ब हो जाए अर्निंग, और शायद लॉस में आ जाए, या अगर ये पूरी होता है जीरो भी आ जाए, या कुछ माइनस पैसे में आ जाए, हो सकता है प्रोबेबली। तो थोड़ा अब इस एरिया में थोड़ा मोहताज रहेगा, क्योंकि 18 रुपए से 42 रुपए चला गया स्टॉक ये, तो
स्टॉप लॉस के, मैं तो हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस इज अ की टू सर्वाइव। ठीक है, आप सर्वाइव कर जाएंगे मार्केट में तो किसी ना किसी स्टॉक में कमा लेंगे, अगर एक में स्टक हो गए तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर मैसेज ही आते हैं, हायर साइड पे बाय किए भी होते हैं, वही साइकोलॉजी उसमें आ जाते हैं, और हायर साइड पे बाय करके स्टक हो जाते हैं, कहते हैं अब हमने ये स्टॉक इतने का ले लिया, अब हम क्या करेंगे, तो कोई 10 रुपए नीचे आ गया, कोई 20 रुपए। तो थोड़ा मैं क्या समझता हूँ कि हायर साइड पे बाय ना करें, थोड़ा वेट करें। एटलीस्ट ये लेवल जो है 32 रुपए 48 पैसे, ये वाला लेवल जो है यहाँ का वेट करें, यहाँ पे अगर बाय करें फिर स्टॉप लॉस। अभी इस पर इसको जाने दे, जा रहा है जहां ऊपर जा रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे आएगा, कूल डाउन होगा मेरे हिसाब से। इतनी इसमें कोई वॉलिटिलिटी है नहीं, इसमें अभी नजर नहीं आ रही कोई या सच। ठीक है, अब तीसरा हम चौथा स्टॉक लेंगे पाक इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखी, ठीक है, वीक पे देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वीक पे देखें इसने डबल बॉटम किया यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे देखें 8 रुपए 81 पैसे, फिर वापिस ये आया 8 रुपए 98 पैसे, फिर यहाँ से इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। तो ये एक एरिया जो है अच्छा एरिया, सपोर्ट एरिया मैं यहाँ पे ये, ठीक है, 8 रुपए 90 पैसे बेहतरीन थर्ड बॉटम भी लग सकता है, हो सकता है कि थर्ड बॉटम भी आए, और यहाँ पे ये हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, इसमें भी अगर हम वीकली पे सीपीआर देखें तो ये थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, श्रिंक नहीं हो रहा। आरएसआई देखें, आरएसआई वीकली पे इतना ज्यादा नहीं है, 65 पर है, और डेली पे अगर हम नजर डालें तो 68 पर है, इतना ज्यादा ओवरबॉट में है, इतना ज्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ है। फंडामेंटल देख लें, ईयरली अर्निंग 48 पैसे, क्वार्टर की अर्निंग इतनी कोई खास अर्निंग नहीं है। ये इसी वीसी न्यूज पे चला था कि डॉलर थोड़ा कम हुआ था और अफगानिस्तान में जो ट्रेड बंद हो गई थी, वहां से जो उस कंट्री से जो इम्पोर्ट हो रहा था उसमें ज्यादातर आपका टायर्स थे, रबड़ था, और इलेक्ट्रॉनिक का, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक का स्पेशली आपका डीप फ्रीजर और फ्रिज वगैरह थे, ओवन थे, माइक्रोवेव, तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑब्वियसली, तो उस वजह से इसमें हमने अपसाइड मूवमेंट देखा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस एरिया में टेक्निकली ये अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है डेली पे, ठीक है, यहाँ पे अब इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दी है कि 14 रुपए 20 पैसे जाता है, रिजेक्शन आती है, स्मॉल रिजेक्शन है। डोजिस देखिए, अपसाइड साइड पे डोजिस साइड पे बनना शुरू हो जाए, इसी तरह देखिए नीचे साइड पे डोजिस बनना शुरू हो जाए तो बाय बनती है। देखिए यहाँ पे डोजिस बनना शुरू हो गए, अपसाइड मूवमेंट दिखाई नीचे साइड पे, इसी तरह ये अपसाइड, इसके ऊपर कोई कैंडल जब तक ना बने, मैं यहाँ पे भी एक ये बना के आपको दिखा देता हूँ, ये कैंडल अब जब तक नहीं बनती है तो हम इसमें मजीद अपसाइड नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे भी केयरफुल होके काम करें। अच्छा, ये वाला एक एरिया मैं बता देता हूँ, ये वाला यहाँ पे विक बन सकती है, जहां से पहले भी विक बनी थी एरिया में, ये एरिया 12 रुपए के करीब, ये एरिया बहुत अच्छा है, ये आप यहाँ पे बाय करें, और सीपीआर के हिसाब से 13 रुपए 35 पैसे, ये मैंने आपको बताया 13 रुपए 35 पैसे, इसको अगर सस्टेन करता है और यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनती है इसको भी निगेट करता है और ब्रेकआउट अच्छी बुलिश कैंडल से होता है, तो आप एंट्री ले सकते हैं फॉर 1951 पैसे तक भी जा सकता है ये स्टॉक में, यहाँ पे भी आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपने आप को यहाँ रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले देता हूँ टारगेट प्राइस, ये हो सकता है हमारा आने वाले दिनों में, ठीक है, और बीच में एक हर्डल जो आ रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं मैं, ये वाले एक हर्डल आएगा 15 रुपए 16 रुपए का। ये पहले भी आपको मैं पुरानी हिस्ट्री बताऊं तो ये यहीं से ये 15 16 रुपए का इसने लो किया था और ये यहां से इसने अपसाइड परफॉर्मेंस दिखाई थी। मैं आपके साथ वापस आ जाता हूँ वीकली पे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं ये वाला एरिया था, ये वाला कर लेते हैं 14 रुपए, ये वाला एरिया, ठीक है, 14.20 से 14.86, ठीक है। एक तो ये एरिया है जहां से पहले भी सपोर्ट आई थी, देखिए 2022 में यहां से सपोर्ट लिया था इस स्टॉक ने, ठीक है, यहां पे अगर हम आ जाएं 2019 में यही 13 रुपए 14 रुपए का एरिया था, 2021 में 16 रुपए का एरिया था ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये एरिया जो है 14 रुपए 86 पैसे या 15, यहाँ पे ये कर लेते हैं हम इसको, ये वाला एरिया, ठीक है, 15 रुपए 75 पैसे 16 रुपए,
ये एक एरिया हो सकता है यहाँ पे ये उसको ब्रेक करके वापस नीचे आ जाए, और अगर इसके ऊपर फिर एक और बुलिश कैंडल बनती है तो ये यहाँ पे इसको दिखा सकता है, ये वाला स्टॉक ये वाला रेट दिखा सकता है। और फिर अगर हम वीकली पे अगर हम इसको सॉरी मंथली पे अगर आ जाए वीकली के बाद, तो हम अगेन इसको 50 कर लेते हैं, जिससे मैंने पार्क सुजुकी वगैरह शेयर किया था आपके साथ साजगार का। फिर तो ये वाला एरिया जो है यहां से रैली बनना शुरू हो जाएगी, ये वाला एरिया इसको ले लेते हैं, ठीक है 22 रुपए 50 पैसे। ये इसके ऊपर अगर परफॉर्म करता है, यहाँ पे भी मैं एक ये बुलिश कैंडल बना देता हूँ, इसको क्रॉस करता है तो फिर ये एरिया जो है 42 रुपए ये फिर दिखा सकता है स्टॉक, ये वाला एरिया, ये अगला टारगेट फिर हमारा होगा। टारगेट प्राइस यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट टारगेट प्राइस हमारा ये होगा। तकरीबन 43 रुपीज बनता है ये वाला टारगेट हमारा हो सकता है आने वाले दिनों में, सही है। तो इसी के साथ से अपनी ट्रेड जो है, ट्रेडर के लिए हमेशा कहूंगा कि जो है स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करते हुए चले, लेकिन अभी भी स्टॉक ही नीचे की साइड पे हो सकता है, यहाँ पे अच्छी बाइंग बनती है 10 रुपए 11 रुपए 12 से 11 रुपए के दरमियान एक अच्छी बाइंग इसमें बनती है फॉर फर्दर अपसाइड। यहाँ से फिर ये अपने आपको दोबारा से रैली बनाता है दिखाएगा इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।